हेलो वर्स फॉर एक गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाँ, आज आपको 32x56 फीट में बना हुआ घर का जो है प्लान और उसके साथ जो है 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ। वीडियो को आप देखिए शुरू से अंत तक। एंड किसी को पेड सर्विसेज चाहिए लाइक प्लान चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर जो सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 8095615113 एंड व्हाट्सएप का लिंक मतलब आपको सेव करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं उस लिंक को क्लिक करने के बाद। तो मैं आपको फर्स्ट प्लान दिखाऊंगा, प्लान प्लान जो आप देख रहे हैं ना, प्लान को डिस्कस होने के बाद आपको फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन दिखा दूंगा। लेट अस सी। जैसा ये रोड जो है करीब एक 30 फीट वाइड रोड है, उसके बाद सामने की तरफ जो है वरांडा लिया गया 6x18 फुट, फिर बीच में गली पैसेज आप देख सकते हैं या फिर एक मेन डोर आ जाएगा। एंड उसके बाजू में जो है बेडरूम विथ अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथ या फिर एक बाथरूम, उसके बाजू में एक बाथरूम लिया गया ताकि लाइक फ्यूचर में रेंट दे सकते हैं या फिर सिंगल रूम पोर्शन कोई स्टूडेंट्स भी रह सकता है। एंड यहाँ पर ड्राइंग 13x14 फुट का एक डोर, फिर उसके बाद वहाँ पर और एक डोर, ये एक गेस्ट रूम लिया गया, फिर डाइनिंग किचन मास्टर बेडरूम एंड और एक बेडरूम 14x14 फुट का। ओके, बीचों बीच स्टेयरकेस आ चुका है यहाँ पर 8x14 फुट में जो है स्टेयरकेस लिया गया। स्टेयरकेस पर्पज़ भी काफ़ी इनफ जगह दिया गया है यहाँ पर। तो ये था प्लान, सिंपल सा प्लान जो क्लाइंट के द्वारा सेंड किया हुआ। चलिए मैं आपको अभी इसका 3D दिखाता हूँ, फ्रंट व्यू। ये देखिए वर्स, ये है 3D फ्रंट व्यू। ओके, 3D फ्रंट व्यू इस तरह से लिया गया, जैसा ग्राउंड फ्लोर में वरंडा थोड़ा सा जगह छोड़े गए था क्लाइंट के द्वारा उन्होंने। वो तो जब भी आप बनाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा जगह दीजिएगा, स्पेशली खासकर पार्किंग एरिया में। वहाँ पे आप कंपाउंड वॉल भी बना सकते हैं। एंड सामने की तरफ विंडो लिया, उसके बदले में आप एक डोर भी ले सकते हैं, डिपेंड एंड एलिवेशन टाइल। बीचों बीच पैसेज एरिया है, थोड़ी सी जगह वहाँ पर दी गई। एंड उसके अलावा जो बेडरूम था ना, बेडरूम था, उसके लिए भी आपको एक विंडो, विंडो के ऊपर छज्जा लिया गया तो उसको भी कलर कॉम्बिनेशन एंड लुक भी एक मैच हो रहा है। ओके, सूटेबल मैच, सूटेबल एक लुक मिल रहा है वहाँ पर। ओके, एंड यू शेप में, या यू शेप में आप मान सकते हैं उसको, बॉर्डर बॉर्डर दिया गया है, जैसा ये विंडो आप देख रहे हैं ना, विंडो को बॉर्डर के से सजा हुआ, जैसा ब्रिक्स कटेड ब्रिक्स रहता उसको अटैच किया गया। एंड ये फुल व्यू, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा फुल व्यू में इस तरह से दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। जो विंडो के ऊपर छज्जा है उसके ऊपर ही कंटिन्यूएशन ब्रिक वर्क में आप बना सकते हैं ऐसा डब्बा। एंड ये साइड व्यू, साइड में 9 इंच का यानी कि डबल ईट रहता ना, उसको कंटिन्यूएशन लिया गया पूरा एंड तक। एंड ऊपर में जो राउंड 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 देख रहे हैं ना, उसको पैराबोलिक डिज़ाइन ऐसा आप बना सकते हैं। तो 3 पिलर लिया गया वहाँ पर, स्लैब का थिकनेस करीब आप ले सकते हैं 6 इंच का, उतना मोटा लेने का ज़रूरत नहीं है, आप कम भी ले सकते हैं। एंड बीच में वो छोटे जो पोल्स देख रहे हैं ना राउंड राउंड, वो आप MS स्टील में भी ले सकते हैं या फिर RCC वर्क में तो पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है RCC वर्क, उसके लिए आप MS स्टील पाइप्स, राउंड पाइप्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा बढ़िया सा लुक देगा आपको, खूबसूरत भी दिखता, बेस्ट दिखता। तो इस तरह से इस प्लान के साथ साथ जो है आपको 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन दिखाया है। एंड किसी को 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन चाहिए तो कांटेक्ट कर लिए फॉर पेड सर्विसेज 8095615113। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करूँगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट अस टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। लव यू ऑल, हैव ग्रेट डे।